पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब सरकार बनाने का दौर शुरू हो गया है। इन पांच राज्यों में से दो के सीएम पर संशय खत्म हो चुका है। पंजाब में भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ले ली तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सीएम के चुनाव को लेकर भाजपा में अब भी मंथन चल रहा है। इन तीनों राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन उत्तराखंड में सीएम का चेहरा रहे पुष्कर सिंह धामी की हार के कारण संशय की स्थिति है, तो मणिपुर और गोवा में भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है। हालांकि मणिपुर के सीएम की रेस में एन वीरेन सिंह का नाम सबसे आगे है, लेकिन अब तक भाजपा की ओर से उनका नाम फाइनल नहीं किया गया है। वीरेन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भाजपा को मणिपुर में जीत मिली। 60 सदस्यों वाले विधानसभाएं भाजपा को 32 सीटें मिली। इस जीत के साथ सरकार बनाने और सीएम बनने के लिए एन वीरेन सिंह ने दिल्ली की यात्रा भी की और यहाँ पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी की। लेकिन इस बीच मणिपुर के एक और नेता को अचानक से दिल्ली बुलाया गया। उनकी मुलाकात भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई, जिसके कारण इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि कहीं भाजपा इस बार असम की तर्ज पर मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं करेगी, क्योंकि असम के चुनाव में भी भाजपा ने सीएम उम्मीदवार तो बनाया नहीं था, लेकिन तत्कालीन सीएम सर्वानंद सोनोवाल को हटाया भी नहीं गया था और चुनाव के बाद सर्वानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाया गया। अब कुछ ऐसी स्थिति मणिपुर में भी आ सकती है। एक तरफ एन बीरेन सिंह दिल्ली से लौटे तो दूसरी ओर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने थोंगम बिश्वजीत सिंह को दिल्ली बुला लिया। उनके दिल्ली आने के लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था की गई। बिश्वजीत सिंह के साथ दिल्ली में मंथन किया गया और सीएम बनने की चर्चा तेज हो गई। बिश्वजीत सिंह भाजपा के कद्दावर नेता हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह पक्का है कि हमारा आपस में कोई ग्रुप नहीं है, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और नेतृत्व को सीएम के ऊपर फैसला करना है। लेकिन उनकी भाषा से तो यही लगता है कि मणिपुर में कुछ खिचड़ी पक रही है। अगर बिश्वजीत सिंह सीएम बनने की रेस से बाहर होते तो साफ तौर पर मना कर देते, बोल मटोल जवाब नहीं देते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।